दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव एवं कांग्रेस नेता नासिर इस्लाम ने महंगाई को लेकर जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। नासिर इस्लाम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनमानस की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में नाकाम साबित हुई। प्रदेश सरकार महंगाई को रोक पाने में विफल रही। प्रदेश में महंगाई अपने चरम पर है। महिला उत्पीड़न और अपराध में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही। कांग्रेस की सरकार बनने पर नारी सम्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश की प्रत्येक नारी को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। घरेलू बिजली पर 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ किया जाएगा। महंगाई को कम किया जाएगा। किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। जन आक्रोश रैली मुंशी हुसैन खां तालाब के सामने से प्रारंभ होकर जहानाबाद चौराहे पर समाप्त हुई। जन आक्रोश रैली में कांग्रेस कार्यकर्ता महंगाई के विरोध में लिखे गए स्लोगन की तख्तियां लिए हुए शामिल थे।